दोस्तों महामैराथन में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा में आने वाले प्रश्न, दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो सकती है आपके लिए। इसमें मैंने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐड किए हैं, टॉप 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग जो वैकेंसीज हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें इन पीडीएफ में से, आज की इस वीडियो में से 100% क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से क्लियरली समझ में आ जाएं। मैं चलता हूँ अपने पहले क्वेश्चंस पर आपकी स्क्रीन पर। भीम बेटका गुफाओं की खोज 1957-58 में सबसे पहले किस भारतीय पुरातत्ववेता ने की थी? तो ये की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी ये खोज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी की पूजा किया करते थे? तो सिंधु सभ्यता के निवासी ये पूजा किया करते थे मातृ देवी की, और पशुपतिनाथ की भी पूजा ये किया करते थे। अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में तो आपको पता होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड कहता है किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो अथर्व वेद है उसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, खुजराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खुजराहो में जैन मंदिर है, उनका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोशाल जी थे इसके संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। शिशु नाग वंश के किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बोध संगति हुई थी? तो याद रखिएगा द्वितीय बोध संगति हुई थी काला अशोक, जो शिशुनाग वंश के शासक थे, इनके समय में दूसरी जो बोध संगति वो हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, किताब ए नौरस की रचना किसने की थी? तो किताब ए नौरस की रचना ये की थी इब्राहिम आदिल शाह ने। किसने की थी? इब्राहिम आदिल शाह ने किताब ए नौसर की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर एट, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हक ए सरब नामक सिंचाई कर वसूल करता था? तो यह है फिरोज शाह तुगलक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत कौन थे? तो वो थे रामानंद जी। क्वेश्चन नंबर टेन, अकबर के दीने इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? तो ये था अबुल फजल ने दीने इलाही तीन बताई थी अकबर जी को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब और बेगम हजरत महल भागकर कहीं चले गए थे, तो भागकर कहाँ गए थे? वो भागकर नेपाल गए थे। यहाँ बता दूँ मैं आपको, 1857 विद्रोह जो था उसमें जो नाना साहेब थे ये कानपुर से और बेगम हजरत महल थी लखनऊ से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन था कराची अधिवेशन 1931 में, इसी समय पर मौलिक अधिकार संशोधन या कहें संबंधी जो प्रस्ताव है पारित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, किसके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो नवाब सलीमुल्ला जी थे, इनके समय पर यह स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, दादा भाई नौरोजी ने 1860 में इंग्लैंड में किस संस्था की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1860 में इंग्लैंड में संस्था की स्थापना, उसका नाम था लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। दोस्तों अगर मैं कुछ आपको लग रहा है स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा इसलिए कि क्वेश्चन ज़्यादा है आज के, बस आप ध्यान से सुनिएगा। 15वां क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये 1919 में भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था? तो ये दिया गया था स्वदेशी आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? तो ये आगा खां पैलेस पूना में है, आगा खां पैलेस पूना में है सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 18, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार होने पर
आंदोलन के नमक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? तो अब्बास तैयब जी ने यह स्थान ग्रहण किया था गांधी जी के यहां पर। क्वेश्चन नंबर 19, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक से पुस्तक रचना किसने की थी? आपके और हमारे चहेते भगत सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, तो भैया ये थे गोपाल कृष्ण गोखले और इन्हें कहा जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को और फिर ये 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1937 में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतर 500 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो ये अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहां से दी जाती है? तो जज की पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में संवर्ती सूची का विस्तार कहां से लिया गया है? तो संवर्ती सूची का विस्तार लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लगाया गया था? तो ये लगाया गया था पेप्सू पंजाब में। यहां भूलिएगा मत, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहां लगा है शासन, तो लगा है उत्तर प्रदेश में। सबसे लंबे समय लिए कहां लगा है? तो ये लगा है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? तो यह अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? अगर नए राज्य का गठन करना है तो इसकी पावर ये पार्लियामेंट बोले तो संसद में ही निहित है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 में इस चीज का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, किस स्तर या डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो इसका सही आंसर है 80 डेसिबल या 80 डीबी। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा वायु प्रदूषण रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, रेडियो धर्मी प्रदूषण के मापन इकाई क्या है? तो ये रोंटन जन है, रेडियो धर्म प्रदूषण की इकाई मापने का। क्वेश्चन नंबर 34, इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी संस्थान कहाँ है? तो ये रांची झारखंड में है, रांची झारखंड में है इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कपास की धूल से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा कपास की धूल से बिस्नोसिस ये एक रोग है, ये उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की, वो आपके सामने 36, भारत में कब से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान स्मोकिंग करना निषिद्ध कर दिया गया है कि आप वहां पर नहीं कर सकते सार्वजनिक स्थानों पर? तो ये करा गया था 2 अक्टूबर 2008 में। क्वेश्चन नंबर 37, जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? जो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है भारत का जल पुरुष। क्वेश्चन नंबर 38, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया था? तो जैव विविधता का सबसे पहले प्रयोग किया था ई ओ विल्सन ने। किसने किया था? ई ओ विल्सन ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पाया गया सबसे पुराना अनाज कौन सा है? तो ये सबको पता ही होगा सबसे पुराना अनाज है जौ। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कब रामसर भारत ने, ये में गलत हो गया है, भारत में भारत ने कब रामसर आदभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1 फरवरी 1982 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे। यहां मैं आपको बता दूं
के पूरे विश्व में रामसर दिवस या आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, बादल फटने का अर्थ क्या होता है। देखिए, जब असाधारण रूप से बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है उसी को बादल फटने का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, एल नीनो क्या है। एल नीनो क्या है, काफी बड़ा आंसर है, ध्यान सुनिएगा। एल नीनो क्या है, यह उष्ण समुद्री धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पश्चिम तट से 180 किलोमीटर दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रभावित होती है, ये वाली वायु वेग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, टाइफून चक्रवात प्राय कहां आते हैं। तो जो टाइफून चक्रवात है मुख्यतः चीन और जापान के समुद्रों में देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ओजोन परत कहां पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, ये वही लेयर है जो हमारे शरीर को पराबैंगनी किरणों के कैंसर होने से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किसे मिलकर बनती है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन से ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 46, ई वेस्ट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो महाराष्ट्र का स्थान ई वेस्ट उत्पादन में प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 47, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में किसने किया था। तो इसमें भाई कुल मिलाकर 4 जने शामिल थे। एक तो थी मेधा पाटेकर, एक थे बाबा आमटे, एक थे अरुधंती राय और लास्ट थे आनंद पटवर्धन। ये 4 नाम आपके सामने हैं। 2 नाम मुख्य हैं, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए नाम है ये। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश माना जाता है। तो हमारा पड़ोसी मुल्क भूटान को। क्वेश्चन नंबर 49, ब्लू फ्लैग समुद्र तट कैसे होते हैं। तो कहा जाता है विश्व के सबसे जो स्वच्छ समुद्र तट हैं वो ब्लू फ्लैग समुद्र तट होते हैं। आ गए हम अपनी हाफ सेंचुरी पर। नवीनतम बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी हो चुकी है बढ़कर। तो भैया, भारत में बाघों की संख्या बढ़कर हो गई है 3167 बाघों की संख्या भारत में हो चुकी है। 51, तकला माकन मरुस्थल कहां अवस्थित है। तो ये भैया है चीन में। क्वेश्चन नंबर 52, रियो ग्रैंडी नदी सीमा किन देशों के मध्य बनती है। तो याद रखिए, मैक्सिको और यूएसए के बीच में रियो ग्रैंडी नदी सीमा बनती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहां है। तो ये तंजानिया में है। कहां है ये, तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। डोंट फॉरगेट, सबसे गहरी झील है बैकाल। बात करते हैं क्वेश्चन 55, यूएसए की डेथ वैली कहां अवस्थित है। तो कैलिफोर्निया में अवस्थित है ये, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। जो छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 57, मसालों का बागान कहां जाने वाला राज्य कौन सा है। तो भैया वो है केरल। क्वेश्चन नंबर 58, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती है। वृक्षनुमा। कौन सा अपवाह तंत्र बनाती है, वृक्षनुमा। क्वेश्चन नंबर 59, तातीपाका तेल शोधन शाला कहां अवस्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है, ये उत्तराखंड में है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीड़ा कहां है पर है, ये भैया हैदराबाद में है। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। तो मही सुगंधा ये धान की प्रजाति है। 63, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में किसके द्वारा लाई गई थी। तो M.S. स्वामीनाथन के द्वारा काम किया गया था। हरित क्रांति भी इन्हीं का ही दिया हुआ है। 64, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था। तो 1947 में भारत इसका सदस्य बन गया था। 65, भारत में वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन किस राज्य में हुआ। तो कर्नाटक नंबर 1 पर रहा मोटे अनाज में। 66, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश कौन है। अपना भारत चीनी उपभोक्ता नंबर 1।
67 किस संस्था ने भारत को वर्ष 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की है? तो यह है द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने यह घोषणा करी है कि 2035 तक भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 68 क्वेश्चन, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार दिया गया है? तो भैया ये दिया गया है अहमदाबाद गुजरात को, अहमदाबाद गुजरात को ये पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन सा है? तो वो आपका अपना भारतीय स्टेट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का पहला गोल्ड एटीएम तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में किया गया, और हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है जो मूसी नदी के पास में है। क्वेश्चन नंबर 71, किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में। क्वेश्चन नंबर 72, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है भारी पानी। क्वेश्चन नंबर 73, जैविक आतंकवाद के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये गैस है मस्टर्ड। कौन सी गैस है? मस्टर्ड वो गैस है। क्वेश्चन नंबर 74, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर का सही आंसर है, इससे हम वायु की आर्द्रता मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, प्रकाश का वेग कब अधिकतम होता है? निर्वात में अधिकतम होता है प्रकाश का वेग। ये दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख भी लेना साथ साथ में। 76, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। क्वेश्चन नंबर 77, पेप्सिन एक उदाहरण है किस चीज का? तो पेप्सिन उदाहरण है एंजाइम का। हीरा क्या है? हीरा एक शुद्ध कार्बन है, हीरा एक शुद्ध कार्बन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है। 80, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो भैया सिलिकॉन है, सिलिकॉन सबसे उपयुक्त माना जाता है इन सब चीजों के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, पाठ्य पुस्तक में एकाग्रता किस पर आधारित है? तो पाठ्य पुस्तक में एकाग्रता रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपकी रुचि है पढ़ने में, अगर आपकी रुचि है समझने में, तो आप में एकाग्रता अपने आप आएगी। अगर आप इस वीडियो को एकाग्रता के साथ देख रहे हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की खोपड़ी में सेट कर सकते हैं और आपको आपकी सीट दिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, डीवी की शिक्षण विधि क्या है? तो डीवी है जॉन डीवी है, इसकी शिक्षण विधि के अनुसार बालक क्रिया स्वभनव यानी कि स्व अनुभव और खोज तथा प्रयोग द्वारा सीखता है। एक बालक अपनी क्रिया करके अपने अनुभव से प्रयोग से नई नई चीजें स्वयं सीखता है। क्वेश्चन 83, मॉन्टेसरी ने बाल घर किसे कहा है? तो मॉन्टेसरी यानी कि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार विद्यालय एक प्रकार से घर के समान है, इसलिए उन्होंने इसे बाल घर कहा है। पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1818 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 85, मुगल काल में शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? तो भैया मुगल काल में शिक्षा मदरसों में प्रदान की जाती थी। मानव शरीर किसका योग होता है? तो मानव शरीर सेल्स बोले तो कोशिकाओं का योग होता है। 87, रुचि का सबसे अधिक संबंध किससे है? तो रुचि का सबसे अधिक संबंध है ध्यान से। अगर आप कोई चीज ध्यान से लगन से सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बिल्ड होगा और आप ज्यादा ज्यादा सीखने के लिए तैयार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? तो बाल विकास व्यक्तिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 89, जीन्स किससे बनते हैं? जीन्स गुणसूत्रों से निर्मित होते हैं। 90, संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल कितनी संख्या है? 20, इसका सही आंसर है। 92, भारत में हरित क्रांति लाने वाले कौन है? अभी बताया मैंने आपको, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी। क्वेश्चन 93, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 94, एगमार्क का जो लोगो लगा होता है उसका मतलब क्या है? तो ये गुणवत्ता व गारंटी की मोहर है।
कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो भूलना मत, सबसे अधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में 96। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन आदि किस प्रकार की फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 97। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने किस वर्ष से मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की है? तो 2009 से बात की गई कि हम मेगा फूड पार्क लगाएंगे। 98। सुनहरी क्रांति गोल्ड रेवोल्यूशन किस फसल उत्पादन संबंधित है? तो ये बागवानी फलोत्पादन से है और शहद से इसका संबंध है। शहद बोले तो हनी। विश्व में सर्वाधिक पशुओं की संख्या किस देश में है? भैया अपने देश में है, भारत में। क्वेश्चन नंबर 80। एपिकल्चर का संबंध किससे है? तो मधुमक्खी पालन से है, वही शहद वाली बात जो बताई मैंने आपको, इसी चलाई गई थी गोल्डन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 101। 101 सेंचुरी पूरी कर ली दोस्तों, आ गए हम 101 क्वेश्चन पर। भैया 101 क्वेश्चन पर आ गए दोस्तों, कम से कम अब तो लाइक कर दो, अगर नहीं करा है तो इतना सा एहसान कर दो, लाइक कर दो, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। क्वेश्चन नंबर 101। 23वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता कहां आयोजित किए गए? ये करे जाएंगे विक्टोरिया के ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। 102। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां होगा? तो भैया ये होगा गोवा, 2023 में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 103। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में सबसे ज्यादा पदक जीते किसने? महाराष्ट्र ने। 104। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने लिया था? तो ये नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। 105। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन देश बना? तो ये बना अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 106। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023 का विजेता कौन देश रहा? तो भैया हमारा देश भारत, पहला खिताब मिला भारत को। क्वेश्चन नंबर 107। FIH हॉकी पुरुष फीफा विश्व कप FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का विजेता कौन देश रहा? तो जर्मनी, तीसरा खिताब मिला। क्वेश्चन नंबर 108। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, किससे है? फुटबॉल से है। 109। राष्ट्रीय भाला दिवस, भैया 7 अगस्त, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू महाराणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। याद है ना नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंका था 7 अगस्त को, तो इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। 110। 110। ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य स्लोगन क्या था? गेम्स वाइड ओपन इसका स्लोगन था। 11 यानी कि 111। सबसे कॉमन से अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड, सबसे ज्यादा प्रयोग हम इसी चीज करते हैं। 112। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द क्या कहलाता है? टेक्स्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 113। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति प्रयोग किया जाता है फ्लिप फ्लॉप। क्वेश्चन नंबर 114। वह डिवाइस जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़कर उसे कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर करता है, तो उसे कहते हैं डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 115। एक ही डाटा को कई जगह सेव करना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं डाटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 116। यूट्यूब को किस वर्ष पेपाल के 3 कर्मचारियों चार्ल हरले, स्वी चेन, जावेद करीम ने मिलकर तैयार किया था? तो 2005 में तैयार किया गया था, इन तीन बंदों ने मिलकर तैयार किया था। भाई तीनों नाम याद रख लो, यूट्यूब पर रात दिन जी रहे हो, यूट्यूब पर रात दिन पढ़ रहे हो, इनके नाम तो याद रखो कम से कम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो ये सी बर्न वायरस था। क्वेश्चन नंबर 118। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? उसे हम बिट कहते हैं। 119। डोस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 120। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो IBM ने किया था अगस्त 1881 में। कागजी खोज कहां हुई थी? कागज खोज चीन में हुई थी। 122। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? तो जूट को ब्राउन पेपर कहा जाता है। 123। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और 23 दिसंबर क्यों क्यों मनाया जाता है पता आपको? चौधरी चरण सिंह जी का जन्म था इस दिन। चलो 124। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एलेक्स लियोनोव। क्वेश्चन नंबर 125। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। क्वेश्चन नंबर 126। अमृत सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार। 127।
केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान CLRI कहां स्थित है? तो ये चेन्नई में है। 128 लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। 129 नगुल्टम किस देश की मुद्रा है? तो ये मुद्रा भूटान की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां स्थित है? तो ये राय बरेली में है। दोस्तों ये थे आज के 130 महामैराथन के क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जो बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो इससे भी दमदार और भयानक और खतरनाक होने वाली है और आपको उसमें बहुत मजा आने वाला है। बस हमारा साथ दीजिए, हमारे इस चैनल के ऊपर आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, अगर नहीं तो क्या होगा फिर, जैसे इतने चैनल एक चैनल वहां भी चला जाएगा। थोड़ी सपोर्ट करेंगे शायद हमारे चैनल को रिकवर कर जाए। थैंक यू, धन्यवाद।